तो देखो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखो। अगर इस वाले क्वेश्चन को देखोगे तो बेसिकली क्या कहा जा रहा है कि यहाँ से तुम देखोगे कि एक लेंस है और एक मिरर रखा हुआ है। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। इसकी खुद की फोकल लेंथ दी हुई है 30 है। इफ ए प्लेन मिरर परपेंडिकुलर टू ए डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, द फाइनल इमेज विल बी फॉर्म। तो फाइनल इमेज कहाँ बनेगा, इसका हमें डिस्कशन करना है। तो देखो, फाइनल इमेज बनने के लिए सबसे पहले मैं रे डायग्राम यहाँ से एक अच्छा सा बनाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लेंस, यहाँ से लेंस बनाता हूँ। दिस इज़ द कन्वेक्स लेंस। और अगर ये कन्वेक्स लेंस है और यहाँ से अपना एक प्लेन मिरर यहाँ पे रखा हुआ है, बात को समझना। यहाँ पे प्लेन मिरर, ये लेंस है और ये मिरर है। तो जब कोई यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये वाली जो डिस्टेंस है यू, वो -60 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि जो रे के अपोजिट हम माइनस लेते हैं। क्योंकि यहाँ से अगर कोई रे डालूँगा मैं इस लेंस पे, तो वो रे ऐसे जाएगी, ठीक है। और अगर ये ऐसे जाएगी तो ये कहीं पे कन्वर्ज होगी, जहाँ पे ये फाइनल इमेज बनाएगी। पर ये बात मुझे पता ही नहीं है कि ये कहाँ पर फाइनल इमेज बनाएगी। तो इस लेंस का जो फोकल लेंथ दिया हुआ, इसका फोकल लेंथ दिया हुआ है, तो इसका फोकल लेंथ +30 होता है और इसका यू पता है। तो देख लेते हैं ये फाइनल कहाँ कन्वर्ज होगी। 1/v -1/u = 1/f। तो 1/v और माइनस माइनस ये प्लस, तो 1/60 और यहाँ से 1/ये +30। तो यहाँ से 1/v = 1/, यहाँ से 30 -1/60। अगर दो से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1/60। मतलब v जो है वो +60 सेंटीमीटर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो फाइनल इमेज है वो यहाँ से +60 सेंटीमीटर, +60 मतलब यहाँ से ऐसे। अब यार मिरर के अंदर तो घुसेगी नहीं ना, अगर ये मिरर नहीं होता तो ये डिस्टेंस यहाँ पे कहीं पे कन्वर्ज होती। दिस इज़ द, ये यहाँ तक तो जाएगी, तो यहाँ ये जो है ये इमेज I1 बनाएगा जो कि लेंस का है। और दिस डिस्टेंस इज 60 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस यहाँ से पता चल गया कि ये 60 सेंटीमीटर होता। लेकिन दिक्कत क्या है, मिरर आ जाने से, अभी वो मिरर के अंदर तो नहीं जाएगी, तो यहाँ से ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्ट होगी तो ऐसे कुछ आएगी, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके ऐसे कुछ आएगी। तो फाइनल इमेज यहाँ I2 बनाएगी जो कि प्लेन मिरर बनाएगा। तो फाइनल इमेज जो एक्चुअल में रे कट कर रही है, तो फाइनल इमेज तो वर्चुअल कभी होगा नहीं, फाइनल इमेज क्या होगा, रियल होगा। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो कभी सही नहीं हो सकता, इमेज कुल भी वर्चुअल। फाइनल इमेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। फाइनल इमेज यहाँ पर वर्ड देखो, फाइनल इमेज, ठीक है ना, क्वेश्चन में। तो कभी भी फाइनल इमेज वर्चुअल नहीं होगा। तो फोर्थ ऑप्शन और फर्स्ट ऑप्शन कभी भी सही नहीं हो सकता, या तो सेकेंड है या तो थर्ड है। अब इसमें से रीचेक करो कि कौन सा सही होगा। तो इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, जब हमें ये बात पता चल गया कि यहाँ से 60 सेंटीमीटर पे है और कन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ, प्लेन मिरर, कहाँ पर मिरर रखा हुआ है, 40 पे रखा हुआ है, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस एंड ए डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। मिरर जो है प्लेन मिरर, यहाँ से 40, ये 40 सेंटीमीटर यहाँ पे दे रखा है, दिस इज़ गिवेन। तो अगर ये 40 है तो ये कितना हो गया प्लेन मिरर से, 20 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि 60 तो पूरा था। तो अगर ये जो प्लेन मिरर है, ये इमेज I1 लेंस का इमेज है, ठीक है ना। लेकिन इस मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो इसका वर्चुअल, हमें पता है प्लेन मिरर में अगर एक्स डिस्टेंस पे इमेज बनता है तो एक्स डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट भी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से 20 मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है दैट इज़ 20 सेंटीमीटर यहाँ से बनेगा। 20 सेंटीमीटर मिरर से फाइनल इमेज की डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज 20 सेंटीमीटर, बिकॉज दिस डिस्टेंस इज 20। पता चल रहा है कि थोड़ा सा उतना नहीं है। तो अगर ये 20 है तो बात समझ रहे हो, बहुत अच्छे से सारी चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर होगी। ये वाली डिस्टेंस भी 20 होगी और ये भी 20 है
और ये भी 20 है, तो कुल मिला के ये पूछ रहा है कि फाइनल जो इमेज है 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, तो ऑब्वियसली लेंस से 20 सेंटीमीटर और मिरर से 20 सेंटीमीटर, इधर -20 सेंटीमीटर और लेंस से +20 सेंटीमीटर, तो अपना सेकेंड ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सही है, ये भी गलत है। तो बहुत बेहतर तरीके से मैं एक्सप्लेन करता हूँ, मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनो, गर्व से सुनो, बड़े इत्मीनान से सुनो, और तुम्हें सारी चीज़ें A to Z क्लियर होती रहेंगी।